नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुंवर। एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैनल निशुल्क ज्योतिषीय परामर्श उपलब्ध कराता है। अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाए। कुंभ राशि मार्च 2019 में रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2019 में अपार धन दौलत आने वाली है। मार्च का महीना आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित होगा। ये महीना आपके जीवन में खुशियां भर देगा क्योंकि इस महीने में 7 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें से 6 ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे। दोस्तों, मार्च के महीने में हकीकत में आपके सपने पूरे होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत ही खास है। ये महीना आपके लिए शानदार जाएगा। आपके मन की सभी इच्छाएं इस महीने में पूरी होंगी। इस महीने में आप सब कुछ पा लेंगे। इस महीने में आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। कोई भी आपको इस महीने में परास्त नहीं कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले 7 मार्च को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु अपनी उच्च राशि में मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके पांचवे भाव में आ जाएंगे, और केतु मकर राशि से निकलकर आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लाभ स्थान में धनु राशि में आ जाएंगे। उच्च के राहु केतु आपको अचानक धन प्राप्त करवाएंगे। अचानक गुप्त धन आपको प्राप्त होगा। इस महीने में आपकी लॉटरी भी लग सकती है। इस महीने में शेयर्स का काम करने वालों को मुनाफा होगा। अचानक से आपके कारोबार में आपको बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मिलेगी। उसके बाद 15 तारीख को सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य अपने मित्र की राशि में मीन राशि में चले जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। सूर्य आपके धन भाव में दूसरे भाव में जाने वाले हैं। दोस्तों, 15 मार्च को ही बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध देव वक्री अवस्था में रहेंगे। अपने मित्र की राशि में कुंभ राशि में आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। बुध का ये राशि परिवर्तन भी आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। आपके कारोबार को एक नई गति, एक नया आयाम मिलेगा। आप अपने कारोबार में आगे बढ़ेंगे। अपने जॉब के क्षेत्र में आप इस महीने बहुत बिजी रहने वाले हैं। माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा रहेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी। आप आर्थिक दृष्टि से खुद को मजबूत महसूस करेंगे। तो शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए खास फलदायी नहीं है, लेकिन 22 मार्च तक मंगल मेष राशि में आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो 22 मार्च तक के समय में मंगल आपको शुभ परिणाम देंगे। उसके बाद मंगल वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में आएंगे, जो आपके स्वभाव में क्रोध को बढ़ा सकते हैं। आपको जल्दी क्रोध आ सकता है। दोस्तों, शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार है। शुक्र मकर राशि से आपके 12वें भाव से निकलेंगे और आपकी राशि में कुंभ राशि में प्रथम भाव में आ जाएंगे, जिस वजह से आपके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ हार्मनी आएगी। नए नए लोगों से आपके संबंध कायम होंगे। लव और रोमांस में इंटरेस्ट रखने वालों के नए रिश्ते बनेंगे। इस समय में आपस का प्यार और विश्वास बढ़ेगा। ये महीना आपके लिए घूमने फिरने और मौज मस्ती से भरा होगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। इस समय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स और जॉब करने वालों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। इसके बाद 29 मार्च को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति वृश्चिक राशि से आपके 10वें भाव से निकलकर धनु राशि में अपनी राशि में आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। दोस्तों, आपके लाभ स्थान के स्वामी देव बृहस्पति देव अपने लाभ स्थान में होंगे, जिस वजह से आपके लाभ में वृद्धि होगी। घर परिवार के सदस्यों का साथ आप पाएंगे। जिनके अभी तक विवाह नहीं हुई है और जो विवाह में बाधाएं आ रही थी वो अब समाप्त होंगी। नए रिश्ते आपके बनेंगे। परिवार के लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा। इस महीने नए काम की भी शुरुआत होगी। अपने चलते काम से भी आपको फायदा होगा। इस समय में बुजुर्गों की सेहत में सुधार आएगा। दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। ये समय आपके लिए अपार खुशियां लेकर आ रहा है। मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही खास बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।